दोस्तों आज की तारीख में अगर आप एक अच्छी फैमिली कार खरीदना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी इग्निस एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, जिसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, माइलेज अच्छी खासी मिल जाती है और प्राइस भी 5,27,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है बेस वेरिएंट का। तो अगर आप इसके कलर ऑप्शन के लिए कंफ्यूज हैं तो सभी कलर ऑप्शन के बारे में आज बात करेंगे कि 2023 में कौन कौन से कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं कलर ऑप्शंस के बारे में। तो पहला कलर है वाइट, जिसे हम पर्ल आर्टिक वाइट भी बोल सकते हैं। बेसिक सा कलर है, काफ़ी अच्छा लगता है। इग्निस इस कलर में बहुत ज़्यादा बिकी हैं। फ्रंट प्रोफाइल तो इस कलर में काफ़ी अच्छी लगती है, इसीलिए वाइट कलर में गाड़ी बहुत ज़्यादा बिक रही है क्लैडिंग वगैरह की वजह से। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सालों साल कलर एक जैसा रहता है। रिपेयरिंग वगैरह अगर आपके स्क्रैच वगैरह हो जाए तो वो आसानी से ठीक हो जाते हैं, कलर आसानी से मिल जाता है, धूल मिट्टी भी ज़्यादा पता नहीं चलती और स्क्रैचेस भी नहीं दिखाई देते। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है, तो नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई पंची कलर लेना चाहते हैं तो फैंसी कलर लेंगे तो फैंसी कलर में थोड़ी ज़्यादा शाइनी गाड़ी लगती है वाइट कलर के मुकाबले, बस यही एक ड्रॉबैक है वाइट कलर का। बाकी अगर आपका शौक है वाइट कलर लेने का तो आप इस कलर की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप वाइट कलर नहीं लेना चाहते तो दूसरा बहुत अच्छा कलर ऑप्शन है सिल्की सिल्वर। सिल्की सिल्वर इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ी सी सिल्वर सी शेड आएगी और इस गाड़ी और इस कलर में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी भी लगती है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो रीसेल वगैरह अच्छी मिल जाती है इस कलर में, धूल मिट्टी का पता नहीं चलता, मेंटेनेंस बहुत कम है इस कलर की और शाइन वगैरह भी सालों साल ऐसी ही रहती है। और नेक्सा की जो गाड़ियां हैं उनके कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डल वगैरह नहीं होते इतनी आसानी से, आप इस कलर की तरफ भी जा सकते हैं। अगला कलर की बात करें तो अगला है ग्लिस्टरिंग ग्रे। ये कलर भी मारुति सुजुकी इग्निस में काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। मारुति सुजुकी इग्निस में ही नहीं और भी कई गाड़ियों में ये कलर बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जिसे डार्क ग्रे बोल देते हैं, डेटोना ग्रे भी बोल देते हैं, तो इस कलर के बहुत सारे नाम हैं। तो अगर आप ब्लैक लेना चाहते हैं लेकिन ब्लैक नहीं ले पा रहे तो ये कलर भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और मैंने रोड पे बहुत सारी इग्निस देखी हैं इस कलर में। इस कलर की भी मेंटेनेंस बहुत कम है, रीसेल भी अच्छी खासी मिल जाती है और धूल मिट्टी का पता नहीं चलता, बाकी सालों साल कलर ऐसा ही रहता है, इसीलिए ये कलर काफ़ी ज़रा बिक रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ फैंसी कलर्स के बारे में। तो नेक्सा ब्लू, जिसे सेलेस्टियल ब्लू भी कहते हैं, ये मारुति सुजुकी नेक्सा में आपको सभी गाड़ियों में कलर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई पंची सा कलर लेना है, कुछ हट के कलर लेना है, तो आप नेक्सा ब्लू की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये कलर भी। मारुति सुजुकी नेक्सा की हर एक गाड़ी में ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, बस थोड़े सी इसके ड्रॉबैक है कि इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मांगता है, धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा पता चलता है, स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं और रीसेल भी ठीक ठाक मिलती है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलती। तो ये कलर भी आप देख सकते हैं, आगे पीछे से देख लीजिए गाड़ी कैसी लग रही है। अगला कलर है ल्यूसेंट ऑरेंज। दोस्तों ये कलर जो है ये शायद ही किसी ने देखा हो रोड पे। ये कलर वो लोग लेते हैं जो सबसे हटके होते हैं और सबसे अलग कुछ लेना चाहते हैं। इसका नाम कॉपर भी हो सकता था लेकिन इसमें ऑरेंज शेड थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए ये कलर ज़्यादा बिक नहीं पा रहा। इसमें अगर थोड़ा सा डार्क शेड होती तो काफ़ी अच्छा ये कलर लगता और काफ़ी बिकता भी। बाकी इस कलर की भी ऐसा ही है कि रीसेल कम मिलती है, इसकी जगह अगर प्योर रेड भी होती तो भी गाड़ी बिकती, लेकिन ये कलर नहीं बिक रहा, तो आप इस कलर की तरफ ना ही जाएं तो ही अच्छा है। अगला है टॉर्क्विस ब्लू। टॉर्क्विस ब्लू भी अभी ठीक ठाक कलर है, जब नई नई गाड़ी लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया रोड पर भी लगता है, लेकिन समय के साथ साथ कई बार डल होने लगता है। अगर आपके घर में गाड़ी अंदर नहीं खड़ी होती, आप केयर गाड़ी की नहीं करते, गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं, तो ये समय के साथ डल और हो जाएगा और फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये कलर आप देख लीजिए, सोच लीजिए कि लेना है या नहीं। ये थोड़ा एक्वा टील जैसा कलर है, जैसा कि एक्वा टील कलर आता है हुंडई ग्रैंड आई10 न्योस में, वैसा कलर है, उससे भी लाइट है। इसमें भी धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा पता चलता है, स्क्रैचेस आसानी से दिखाई देते हैं और मेंटेनेंस भी मांगता है ये कलर। तो ये 6 कलर मारुति सुजुकी इग्निस में अवेलेबल हैं। तो अगर आप डुअल टोन लेना चाहते हैं तो डुअल टोन भी मैं आपको बता देता हूँ। डुअल टोन 3 कलर इसमें अवेलेबल है, एक है नेक्सा ब्लू के साथ ब्लैक रूफ, आप देख लीजिए ब्लैक रूफ, सिर्फ रूफ ही ब्लैक की गई है, बाकी जो पिलर है ए पिलर बी पिलर वो भी ब्लैक है, बाकी फ्रंट से देखेंगे तो आपको ब्लैक पता चलेगा कि रूफ ब्लैक की गई है, साइड से देखेंगे तो साइड से बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो इतना सा काम आप बाहर से भी करवा सकते हैं। अगली जो है, अगली है नेक्सा ब्लू के साथ सिल्वर रूफ।
अगर आप चाहते हैं कि डुअल टोन तो मुझे करवाना है लेकिन मुझे ब्लैक रूफ नहीं सिल्वर रूफ चाहिए, तो वो भी इन्होंने ऑप्शन दिया है, वहाँ भी जा सकते हैं, तो वो देख लीजिए कैसा लग रहा है। इसके साथ ही अगर आप लूसेंट ऑरेंज, जैसा मैंने आपको बताया था कि लूसेंट ऑरेंज वो मोनोटोन में तो सही नहीं लग रहा, डुअल टोन में थोड़ा सही लग रहा है, तो उसकी अगर रूफ़ ब्लैक कर दी जाए तो वो फिर भी ठीक ठाक लगता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको सेकंड हैंड या फिर डेमो कार इस कलर में मिल जाए तो उसे आप बाहर से ऐसे रूफ ब्लैक करवा के थोड़ा सा बढ़िया लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कलर ऑप्शन थे मारुति सुजुकी इग्निस 2023 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा कलर पसंद आया है इसमें से। मुझे नेक्सा ब्लू और वाइट ये कलर पसंद है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।